मॉर्निंग स्टूडेंट्स ओपन प्रैक्टिस बुक ऑफ क्लास सेकिन जी के पार्ट चैप्टर नंबर सिक्स पेज नंबर वन जीरो फोर वन हंड्रेड फोर चैप्टर नंबर सिक्स लिटरेचर एंड एंटरटेनमेंट स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स यहां पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं हमें बताना है कि वह ट्रू है या हैं या फॉल्स हैं नंबर वन शेरिफ वुडी एंड बुज लाइटियर आर कैरेक्टर्स फ्रॉम द फिल्म श्रैक एक फिल्म थी श्रैक शायद आपने नहीं देखी होगी लेकिन उस मूवी में क्या ये कैरेक्टर थे शेरिफ वुडी एंड बुज लाइट इट इज फॉल्स सो राइट एफ नंबर टू डीडी इज वन ऑफ द सिस्टर ऑफ द पावर पफ गर्ल्स एक कार्टून आया करता था पहले पावर पफ गर्ल्स उसमें थ्री सिस्टर्स होती थी उन थ्री सिस्टर्स में से क्या एक सिस्टर का नाम डीडी था इट इज फॉल्स नंबर थ्री पिकाचू इज अ पॉकीमॉन क्या पिकाच पिकाचू पिकाचू एक पॉकीमॉन है यस इट इज ट्रू पिकाचू तो शायद आप ने देखा होगा नंबर फोर इन हैरी पॉटर फिल्म हैडविक इज द नेम ऑफ हैरी पैट हैन हैरी पॉटर जो मूवी थी उसमें हैडविक जो नेम था वो हैरी की पैट हैन थी क्या ये ट्रू है या फॉल्स है यह फॉल्स है नंबर फोर एफ नंबर फाइव इन द फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन टूथलेस वॉज द नेम ऑफ अ ड्रैगन एक मूवी थी हाउ टू ट्रेन अ ड्रैगन इसमें जो ड्रैगन का नाम था टूथलेस इट इज ट्रू हा उस ड्रैगन का नाम टूथलेस था नंबर सिक्स और वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ विनी द पू इज अ मंकी विनी द पू जो एक कार्टून था उसमें ए और नाम एक मंकी था ये ट्रू है या फॉल्स है या फॉल्स है एफ नंबर सेवन श्रेया शर्मा प्लेड द रोल ऑफ बिनिया इन द 2015 फिल्म द ब्लू अम्ब्रेला 2015 की एक फिल्म थी ब्लू अम्ब्रेला उसमें श्रेया शर्मा ने बिनिया का रोल किया था ये ट्रू है या फॉल्स है ये ट्रू है नंबर एट रस्किन बॉन्ड वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2014 रस्किन बॉन्ड ने 2014 में उनको पद्म भूषण अवॉर्ड मिला क्या ये ट्रू है या फॉल्स है यह ट्रू है उनको पद्म भूषण मिला था इस रोल के लिए लास्ट अलादीन फाउंड जिनी वेन ही एक्सीडेंटली मैजिक लैम्प अलादीन ने जब एक मैजिक लैम्प को रब किया तो उसको उसमें से एक जिनी मिला यह ट्रू है, है. तो सब आप सबको पता होगा चैप्टर नंबर सिक्स अब हम चैप्टर नंबर सेवन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि यह भी ट्रू और फॉल्स रिलेटेड ही है अवर वर्ल्ड एंड एनवायरमेंट वर्कशीट द नेशनल फ्लैग ऑफ अर्जेंटीना हैज ब्लू बैंड एंड अ येल्लो सन जो अर्जेंटीना का जो फ्लैग है अर्जेंटीना एक देश है उसका फ्लैग है उस फ्लैग पर एक ब्लू बैंड और एक येल्लो सन है ये ट्रू है या फॉल्स है ये बिल्कुल ट्रू है सो टेक ही ट्रू नेक्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ भूटान हैज अ लॉयन जो भूटान का नेशनल फ्लैग है उसपे लॉयन बना हुआ है यह ट्रू है या फॉल्स है यह फॉल्स है सो टेक क्वेश्चन नंबर थ्री द नेशनल फ्लैग ऑफ बर्मा हैज अर्ज व्हाइट पॉइंटेड स्टार जो ने बर्मा का जो नेशनल फ्लैग है उस पर एक लार्ज व्हाइट स्टार बना हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है आप जब मैप दो आप जब फ्लैग सारे कंट्रीज के फ्लैग देखोगे तब आपको पता होगा कि किस फ्लैग पे क्या बना होता है तो बर्मा का जो फ्लैग है आप उसे निकाल कर देखिए एक बार आ, उसमें एक स्टार बना होता है सो ये ट्रू है वाइट स्टार है नेक्स्ट थ्रोइंग प्लास्टिक इन वाटर बॉडीज कॉजेज नॉइस पॉल्यूशन जब हम वाटर के अंदर प्लास्टिक फेंकते हैं तो इससे क्या नॉइस पॉल्यूशन होता है जी नहीं इससे वाटर पॉल्यूशन होता है सो इट इज फॉल्स इट इज फॉल्स नेक्स्ट हॉगकिंग कॉजेज एयर पॉल्यूशन honking मतलब होता है हॉर्न बजाना हॉर्न बजाने से क्या एयर पॉल्यूशन होता है नहीं होता हॉर्न बजाने से नॉइज पॉल्यूशन होता है सो इट इज फॉल्स सिक्स द सॉल्टेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज द रेड सी जो सबसे खारा समुद्र जो होता है वो रेड सी होता है या नहीं होता ये ट्रू है या फॉल्स है लाल सागर बिल्कुल सही है लाल सागर ही सबसे खारा समुद्र माना जाता है इसे हम लाल सागर कहते हैं सबसे खारा सॉल्टीएस्ट नंबर सेवन द हाइस्ट एंड बिगेस्ट प्लेट्यू ऑन द अर्थ इज द डेकन प्लेट्यू सबसे बड़ा प्लेट्यू अर्थ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू डेकन प्लेट्यू माना जाता है ये ट्रू है या फॉल्स है यह फॉल्स है नाउ टर्न द पेज फिलिंग ऑफ ऑयल इन टू द सी कॉजेज वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन किससे जो समुद्र है समुद्र में ऑयल जब बहने लग जाता है तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है ये बिल्कुल सही है ट्रू नेक्स्ट स्विचिंग ऑफ द लाइट एंड फैन बिफोर लिविंग द रूम इज गुड हैबिट वेरी गुड जब हम रूम से बाहर जाते हैं तो लाइट और फैन को बंद करना चाहिए ये ट्रू और फिर ये गुड हैबिट है तो ये हाँ बिल्कुल गुड हैबिट है तो इस ट्रू यूजिंग शावर फॉर बाथिंग डज नॉट वेस्ट वाटर जब हम नहाने के लिए शावर का यूज़ करते हैं तो इससे वाटर वेस्ट होता है इससे इससे अच्छा हम बकेट का यूज़ करें नहाने के लिए सो इट इज़ फॉल्स नेक्स्ट यूजिंग ए कार्पुल टू गो टू स्कूल रिड्यूज एयर पोल्यूशन स्कूल जाने के लिए कारपुल का यूज किया जाता है इससे एयर पॉल्यूशन कम होता है ये ट्रू है या फॉल्स है इट इज ट्रू यस यूजिंग एक्सरसाइज बुक्स मेड फ्रॉम द रिसाइकल्ड पेपर इज गुड फॉर एनवायरमेंट वेरी गुड जब जो पेपर रिसाइकल पेपर होते हैं इससे जो बुक्स बनती है उन बुक ये इस बुक से क्या होता है एनवायरमेंट के लिए अच्छी होती है ये चीज तो ये भी ट्रू माना जाता है ओके okay, स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर सिक्स एंड चैप्टर नंबर सेवन थैंक यू हैव अ नाइस डे